हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। ये करवा चौथ हम अपने पति के दीर्घायु के लिए रखते हैं। तो आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और बीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वो केवल एक अकेले बहन थी, जिसके कारण वो अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों के साथ भी लाडली थी। जब वो विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद बीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ भी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति के लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान बीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वो जानते थे वीरावती, जो कि एक पवित्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन के बिना भोजन ग्रहण पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब बीरावती मूर्छित अवस्था से जागी, तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है, और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले गए। बीरावती ने कुछ दूर बद के वृक्ष पर चलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल बीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ के अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। बीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई, और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वालों ने से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर बीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वो बिलाप करने लगी। उसका बिलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, बीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। बीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई, और अपने पति को जीवित करने की वो देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। बीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने इन चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति को असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने बीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह का चौथ का व्रत भी करने का सलाह दी, और उसे आशान्वित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद बीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास से साथ करने लगी। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण बीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। धन्यवाद।